पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य पर्यवेक्षक ने बीसीसीआई की आपत्तियों को खारिज कर 19 दिसंबर को हो रहे चुनाव में मोदी की उम्मीदवारी को हरी झंडी दे दी है। स्पोर्ट्स एक्ट के प्रोविजंस और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन उनमें कंडक्ट करा दी, उनमें इस तरह का कोई प्रोहिबिशन नहीं है, उसमें जितने भी उसमें कंडीशंस हैं वो सब फुलफिल करते हैं, इसलिए ललित मोदी के सामने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे रामपाल शर्मा ने इस फैसले को पर्यवेक्षक के सामने चुनौती दी और कहा कि वो इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये चुनाव हो रहा है जो अवैध रूप से कर रहे हैं, ये इसकी जांच होगी, जो भी होगा। आप बता रहे हैं ये कानूनी से लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान में सरकार बदलते ही क्रिकेट में भी सत्ता के समीकरण बदल गए। 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी तो मोदी का साथ छोड़कर कई जिला संघ सीपी जोशी के साथ चले गए, लेकिन राज बदलते ही फिर मोदी गुट मजबूत हो गया है।